Hello everyone, myself Panchika and I will discuss with you about soaps and detergents. First we will talk about what are soaps. A soap is a sodium salt or potassium salt of a long chain carboxylic acid or fatty acid which has cleansing properties in water. Soap is sodium salt hai carboxylic acid ka. There are different types of soaps. Some examples of soaps are sodium stearate soap or sodium palmitate soap. Sodium stearate soap is a soap which is a sodium stearate soap is a sodium salt of long chain saturated fatty acid called stearic acid. The molecular formula of stearic acid is C17H35COONNA+. Then comes sodium palmitate. Sodium palmitate soap is a sodium salt of long chain saturated fatty acid and it's called palmitic acid. Its formula is C15H31COONNA+. Now comes how the soaps are manufactured. The soaps is made by heating animal fat or vegetable oil with concentrated NaOH solution. The fats or oil react with sodium hydroxide to form soap and glycerol. Glycerol is a type of alcohol. And the equation is fat or oil plus NaOH gives soap or alcohol. The process of making soap by hydrolysis of fats and oils with alkalis is known as saponification. Jo fats aur oils hai hamare esters hai. Then comes the structure of soap molecule. A soap molecule is made up of two parts, a long hydrocarbon part and a short ionic part containing COONNA+ group. The long hydrocarbon chain is hydrophobic, matlab ye pani mein dissolve nahi hoti lekin organic solvents mein ho jati hai kyunki ye non polar hai aur pani hamara polar hota hai. Next is short ionic part is hydrophilic, मतलब ये पानी में dissolve हो सकता है लेकिन organic solvents में नहीं क्योंकि ये polar है और polar content हमारा polar में ही dissolve हो जाएगा because water is also a polar content. अब इसका structure कैसा होता है, जो long hydrocarbon part है वो तो ऐसे zigzag lines से हम show करेंगे जो कि oil soluble है और जो हमारा head है ये short ionic part ये water soluble है. Next come cleansing actions of soaps. अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा सोप सरफेस वाटर के सरफेस पे अलाइन है तो जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे. तो इसमें जो हमारा हाइड्रोफिलिक हेड होता है वो तो पानी के अंदर होता है जब हमारा सोप सरफेस पे होता है और जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है वो हमारी वाटर से बाहर जा रही होती है, मतलब आउटसाइड द वाटर. सेकेंड, वेन द सोप इज इनसाइड द वाटर तो इसकी फॉर्मेशन कुछ अलग सी होती है. इसमें एक जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्फेरिकल एग्रीगेट बनाते हैं जिसको हम मिसल बोलते हैं. इसमें जो मिसल होता है उसके जो हाइड्रोकार्बन एंड्स होते हैं वो तो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं और जो उसका हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक है वो डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ डायरेक्ट कर रहे होते हैं. नाउ कम्स कि अगर जो हमारा मिसल है वो सिर्फ तब बन सकता है जब मैंने पानी में सोप डाला है. अगर मैं सोप को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डाल दूंगी तो मेरा मिसल नहीं बनेगा क्योंकि जो मेरी हाइड्रोकार्बन टेल है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाती है. तो मैं मिसल तभी बना सकती हूँ जब मैं सोप को पानी में डालूँ. अब आती है मेरे पास लिमिटेशंस ऑफ सोप्स. फर्स्ट विल परफॉर्म एन एक्टिविटी. इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये देखने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए कि बिहेवियर ऑफ सोप विद सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. इसमें मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसमें मैंने सॉफ्ट वाटर डाले और सोप सोल्यूशन. जब मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया तो मैंने देखा कि इसमें लेदर फॉर्म हो रहा है. लेदर बहुत नेसेसरी होता है डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए. सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने हार्ड वाटर लिया जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस है और इसमें मैंने भी सोप सॉल्यूशन डाला और जब दोबारा से स्टिर किया तो मैंने देखा कि इसमें सिर्फ स्कम बन रहा है, लेदर फॉर्म ही नहीं हो रहा है. तो मेरे को ये पता चला कि जब सोप को मैं सॉफ्ट वाटर में डालूंगी तो लेदर मिलेगा और हार्ड वाटर में डालूंगी तो नहीं मिलेगा. अब नाउ कम्स लिमिटेशंस ऑफ सोप्स. इसमें सोप की ये लिमिटेशन है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ हम उसे यूज़ नहीं कर सकते फॉर वॉशिंग क्योंकि वो वहाँ पे हमें लेदर देता ही नहीं है. ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट से देख लिया. अब ऐसे क्यों नहीं देता, वो उसके दो रीजंस हैं. जब हम सोप सॉल्यूशन को हार्ड वाटर में डालेंगे, हार्ड वाटर में होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, तो जितना भी सोप होता है वो सबसे ज़्यादा सोप वेस्ट हो जाता है इन रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम आयंस और कैल्शियम आयंस टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम. इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोप की रिक्वायरमेंट होती है जब हम अपना हार्ड वाटर यूज़ करते हैं. और सेकेंड, जो स्कम फॉर्म हुआ होता है वो हमारे कपड़ों पे स्टिक हो जाता है जिसकी वजह से हमारे वॉशिंग में हमें वो डिफ़िकल्टी पैदा करता है. नेक्स्ट कम्स डिटर्जेंट्स. अ
A detergent is a sodium salt of a long chain, benzene sulfonic acid or alkyl hydrogen sulfate, which has cleansing properties in water. Structure of detergents. इसमें जो structure of detergent होता है वो similar होता है जैसे हमारा soap का था. इसमें भी ये दो part consist करते हैं, a long hydrocarbon chain which is water repelling and a short ionic part which contain ionic groups like SO3 negative, Na positive और SO4 negative, Na positive which is water attracting. इसमें हमारा जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है वो पानी में घुल जाता है और जो वाटर रिपेलिंग है वो नहीं घुलता. अब आता है कि एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स के हैं. ये हमारा जो डिटर्जेंट है ये हार्ड वाटर में भी हमें लेदर देते हैं, तो इस वजह से ही हमारे सोप्स को रिप्लेस कर रहे हैं. आजकल हम ज़्यादातर डिटर्जेंट्स ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट कम्स ये जो हमारा डिटर्जेंट्स हैं और डिटर्जेंट्स का स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है और ये पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं सोप से. अब आते हैं कि हम सोप्स और वन डिसएडवांटेजेस लेफ्ट, दैट इज कि जो कुछ डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन होता है लेक्स में और रिवर्स. अब आते हैं मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगी मेरा सोप है और डिटर्जेंट है. जो सोप है वो हमारे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. जो सोप्स में आयनिक ग्रुप होता है वो होता है COO नेगेटिव Na पॉजिटिव और जो डिटर्जेंट्स में होता है उसमें आयनिक ग्रुप होता है SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव. सोप्स आर सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन वाटर इज हार्ड, क्योंकि हमारा लेदर नहीं देते वहाँ पे. और डिटर्जेंट्स को हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं. सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल बट डिटर्जेंट्स सम डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. Soaps has relatively weak cleansing action, but detergents have very strong cleansing action. अब आता है कि हमारे क्लोथ्स जो है वो कैसे क्लीन होते हैं. हमने कोई गंदा कपड़ा सोप सोल्यूशन में डाला तो उसमें जो सोप का मिसल होता है उसमें जो हाइड्रोकार्बन एंड होता है सोप मॉलिक्यूल का वो ऑयल और ग्रीस से जाके अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब उसमें डिजॉल्व हो जाता है. इन दिस वे जो मिसल जो है सोप मिसल वो ऑयल और ग्रीस को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और इस तरीके से जो मिसल है वो अपने हाइड्रोकार्बन एंड से ऑयल और ग्रीस को अपने अंदर ट्रैप कर पाते हैं और जो उसका हाइड्रोफिलिक हेड है वो वाटर से ही अट्रैक्ट रहते हैं. अब जब ये जो इसमें ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स आ गए ये डिस्पर्स हो जाते हैं पानी के अंदर, जिसकी वजह से जो सोप सोल्यूशन है वो ब्लैक हो जाता है और जो हमारे क्लोथ है वो क्लीन हो जाते हैं.